हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं पैनासोनिक PB100 की मैन्युअली सेटिंग किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, इसे ऑन करने के लिए ये वाइट वाला बटन है, इसे प्रेस करके नीचे के लिए खिसकाते हैं और इसमें जो है लाइट ऑन हो जाएगी, यानी कैमरा जो है हमारा ऑन हो जाएगा। दोस्तों, जब ये कैमरा आता है तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में होता है, ये ऑटो मोड लगा होता है। आप डिस्प्ले पर देखेंगे, इसमें जो है ऑटो लगा हुआ है। अब इसे मैनुअल चलाने के लिए हमें ये जो बटन होता है इसे पीछे के लिए प्रेस करेंगे, तो आप डिस्प्ले में देखेंगे इसमें जो ऑटो है वो हट गया है। अभी ये ऑटो हट गया है पर ये मैनुअल काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें कुछ बटन जो हैं प्रेस करने पड़ते हैं, तभी ये ऑटो पर से मैनुअल आएगा। इसके लिए ये जो शटर बटन है इसे एक बार जब हम रिलीज करेंगे, बटन अंदर के लिए पुश करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा जो डिस्प्ले है इस पर आप देखें ध्यान से, तो ये पीला हो गया है। जब ये पीला हो जाए तब ये जो रिंग है हमारी, इस रिंग से हम शटर स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे के लिए घुमाएंगे तो इसकी शटर स्पीड है जो कम होगी, और ऊपर के लिए बढ़ाएंगे तो इसमें बढ़ेगी। देखें आप, ये देखिए बढ़ रही है। रात्रि के टाइम हमारी जो शटर स्पीड होती है वो 150 रहती है, इससे नीचे नहीं जाना है। बाकी दिन में जो है हमारी शटर स्पीड बढ़ती घटती रहती है, दिन में बढ़ेगी लाइट के अकॉर्डिंगली। फ़िलहाल इसे हम जो है एक बार जो 50 पे सेट होने के बाद, और ये बटन जो है हम अंदर के लिए पुश कर देंगे, तो जो ये हमारी शटर स्पीड है वो हमारी सेट हो गई। अब जो दूसरा जो बटन हम प्रेस करेंगे गेन वाला, इसे एक बार अंदर के लिए पुश करेंगे, तब आप डिस्प्ले में देखेंगे कि जो हमारा DB है वो हमारा आ गया है। अब उसी प्रकार जो रिंग हम आगे या पीछे करेंगे तब ये घटेगी बढ़ेगी। रात्रि के टाइम हमारी जो DB है वो 11 से 15 के बीच में ही रखें, इससे आगे ना जाएं। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े किसी सिचुएशन में तो बढ़ा लें, ज़्यादा बढ़ाने पर जो हमारी पिक्चर में है ग्रेन आने लगते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डिस्प्ले में STD लगा हुआ है, इसका मतलब है अभी जो आयरस है हमारी ऑटो पर ही है। देखें हम ये घुमा रहे हैं तो जो है हमारी लाइट कम या ज़्यादा डिस्प्ले में नहीं हो रही है। इसके लिए STD हटाने के लिए हमारा एक बटन जो कैमरे में आयरस नाम से आता है वो हम प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर STD हट गया है। STD हट जाने के बाद ये जो है हमारी रिंग काम करने लगी, देखिए लाइट बढ़ रही है घट रही है। उसके बाद हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है रात्रि के टाइम में वो होती है वाइट बैलेंस की। तो वाइट बैलेंस हमेशा हमें जो कैमरे का है केल्विन मोड पर ही चलाना चाहिए। उसके लिए ये बटन जो दिया हुआ है हमारा, ये देखें एक बार प्रेस करने के बाद आप डिस्प्ले में देखेंगे कि इसमें BAR नाम का एक फंक्शन है जो एक्टिवेट हो गया है। अगर ये आपका नहीं आ रहा है तो जो एक रिंग होता है हमारा ये, इसे आप आगे या पीछे करेंगे तब आप देखें डिस्प्ले में ये BAR ACH BCH P3200K P5600K उसके बाद BAR आ जाए, तब ये जो रिंग है अंदर के लिए हम पुश करेंगे, तब आप देखें जो डिस्प्ले में है 4700 केल्विन के आ गया। अगर हमारे बहुत ज़्यादा पीले बल्ब जल रहे हों तो इसे हम कम करेंगे इसे, अगर हमारी वाइट लाइटें जल रही हैं तो इसे कम से कम 4600 या 5000 के बीच में अपने डिस्प्ले में देख करके रख सकते हैं। उसके बाद इसे हम अंदर के लिए प्रेस कर देंगे, अब जो है हमारा कैमरा फुल्ली मैनुअल वर्क करेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।